हेलो मेरे बच्चों, आज आपका हिंदी का सुलेख लिखने का दिन है, तो आइए लिखना शुरू करते हैं। तो बेटा, आज हम बनाएंगे ढ। ढ बनाने के लिए कैसे करेंगे बेटा? छोटी लाइन लेंगे, लाइन टमाटर बनाओ बेटा, ऊपर ले जाओ थोड़ा मोटाई में। आके बेटा आगे से लाइन लो बेटा, इसको इस मात्रा इससे मिला देंगे तो क्या बना बेटा? ढी। क्या बनाइए? ढी। जो मात्रा बेटा आगे से होती है आपको मालूम है ना कौन सी मात्रा होती है? छोटी की मात्रा। तो ढा ई ढी। फिर से देखो, ढा ई ढी, ढा ई ढी। फिर से देखो बेटा, छोटी लाइन आ गई बेटा, लाइन टमाटर ऊपर गएंगे तो मोटाई में, सीधी लाइन आगे से और इसको इससे मिला देंगे मात्रा, तो क्या बना बेटा? ये डा ई डी। आपको बेटा मालूम है ना, जो मात्रा हमारी आगे से आती है, आगे से आती है वो मात्रा होती है हमारी छोटी की मात्रा। ठीक है, तो ये मैंने लिखा था ड, फिटाली मैंने छोटी की मात्रा, बन गया डी। ड ई डी, ड ई डी। तो फिर से देखो बेटा कैसे बना रही मैम, छोटी लाइन ली बेटा, वापस गए तो बेटा क्या बना मैम ने, क्या बनाया आपका? ड। अब लाइन पीछे से ले लो, आगे लाइन इसको इससे मिला देंगे तो बेटा अब बताओ क्या बनाइए? ड ई डी। क्या है? ड ई डी। तो यानी कि ढा को बड़े की मात्रा, ढा को बड़ी ई की मात्रा। फिर से देखो, जो बेटा मात्रा हमारी पीछे से आती है वो होती है हमारी बड़ी की मात्रा। जो मात्रा हमारी आगे से आएगी वो होगी मात्रा हमारी छोटी की मात्रा। अभी मात्रा कौन सी बेटा, आप ही बताओ बेटा, ये कौन सी मात्रा है? यह मात्रा है हमारी छोटी की मात्रा, ये ड ई डी, ड ई डी, ड ई डी। अब ये मात्रा हमारी कहाँ है? पीछे से मात्रा, यानी कि बड़ी की मात्रा, ड ई डी, ड ई डी, ड ई डी। बच्चे यहाँ पे आप इसकी दोहराई कीजिए। धन्यवाद।